अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये मैंने आज व्लॉग है ना आफ्टरनून से शुरू किया और यहाँ पे मैं ना अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली उज़मा को अभी जस्ट नहला के आई हूँ और मेरे कपड़े गीले ही है। अभी मैं नाइटी में हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी और कल का दाल चावल भी रखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा ना मन कल से ही कर रहा है। आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो मुझे कल भी बुर्जी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं अपने लिए बुर्जी बना ही लेती हूँ एक अंडे की। तो बस एक अंडे की बुर्जी बनाने जा रही हूँ मैं और खाना खा के फिर मैं नहाऊंगी। हाँ पता है ये उल्टा है, पहले नहाना चाहिए फिर खाना खाना चाहिए, लेकिन मुझे आज बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की भूख लग रही है क्योंकि उसको तो मैंने तैयार कर दिया, उसको खाना भी खिला दिया मैंने। अभी वो जस्ट सोने जाने वाली है तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ और वो जब सो जाएगी तो मैं जाके नहा लूँगी। तो बस ऐसा ही है। और आज सुबह से ना थोड़ा सा बिज़ी था दिन, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा तो मैंने ज़िक्र किया है फैमिली में एक नया मेहमान जुड़ा है। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग जानते हो मैं पहले से ही, बहुत पहले से, मैं कोई ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखूँगी। आप लोगों को पता है मैं बहुत पहले से बिल्ली पालने की शौकीन हूँ, मुझे बिल्लियों का शौक़ है। मैं हमेशा गलियों में या रोड पे या कहीं भी मुझे बीमार बिल्ली दिखती है तो मैं लेके आ जाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। 2-4 दिन बाद जब वो अच्छे हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से भी कहीं भी चले जाते हैं तो मैं रोकती नहीं हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हो गया है कि गली में एक बिल्ली ने ना 31 दिसंबर को बच्चे दी थी, तो किसी ने उसको घर में तो रखा था 20 दिन, मतलब उनकी टेरेस में रह रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, शायद वो है ना बिल्लियों को है ना मच्छी मार्केट में छोड़ने जा रहे थे, वो पालना नहीं चाह रहे थे वो बिल्ली को। तो लेकिन वो बड़ी बिल्ली है ना जो माँ, वो एक बच्चे को मुंह में लेके घूम रही थी गली के अंदर और बहुत ज़्यादा चिलम चाली कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग गया कि हाँ जो उसके मुंह में बच्चा है ना वो बोका है, क्योंकि बिल्ली के 4 या 5 जितने भी बच्चे वो देती है ना मुंह में उठा के उसी को घूमती है जो कि बोका होता है, मतलब कि नर होता है, क्योंकि नर की जान को खतरा होता है बड़े बिल्लों से। तो वो गली में घूम रही थी तो मैंने जस्ट पूछा क्या हुआ बिल्ली का, क्या कर रहे हो आप लोग, तो लोग ने बोला हम लोग इसको छोड़ने जा रहे हैं मच्छी मार्केट में। तो बिल्लियाँ तो फिर भी सरवाइव कर लेती है कहीं भी, लेकिन बिल्ले नहीं कर पाते। तो मैंने सिंपली उनको ये बोला कि ये बिल्ला है ना, कितने बिल्ले हैं आपके पास, तो उन्होंने बोला एक ही बिल्ला है। मैंने बोला मुझे बिल्ला दे दो, मैं उसको देख लूँगी, क्योंकि बिल्ली लोग सरवाइव कर लेंगे। उन लोगों ने उसकी माँ को भी छोड़ने का डिसीजन लिया कि हम लोग छोड़ देंगे मच्छी मार्केट में, लेकिन माँ रिटर्न आ जाती है, उसको 2 से 3 बार छोड़ा गया है वो रिटर्न आ जाती है। तो कल भी वही कर रहे थे लोग, तो मैंने बिल्ले को रख लिया अपने पास, बस उसी को पालने वाली हूँ मैं। आप लोगों को दिखाऊंगी वो बिल्ला आगे, बहुत क्यूट है, बहुत छोटा सा बच्चा है, 20 दिन का बच्चा है। और शाम तक उसकी माँ भी आ गई घर पे, वो आप आगे पूरे व्लॉग में देखोगे, आगे जैसे जैसे व्लॉग देखोगे आपको पता चलेगा। हाँ तुम बोल लो, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उज़मा भी कुछ ना कुछ बोल रही है। और यहाँ पे मैंने बुर्जी की रेसिपी तो बताई नहीं आपको, तो बहुत सिंपल थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने एक अनियन काटा बारीक बारीक, एक हरी मिर्ची काटी बारीक बारीक, एक टमाटर काटा बारीक बारीक। उसके बाद मैंने कांदे को और मिर्ची को तेल में पका लिया, कच्चा पक्का होने के बाद मैंने उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर पूरा पकने के बाद उसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की, और हल्दी ऐड करने के बाद जब टमाटर का पूरा पानी सूख गया था तो मैंने उसमें एक अंडा फोड़ के ऐड किया, जो कि उसको मैं पका रही हूँ, भून रही हूँ, मतलब क्योंकि मुझे अंडा थोड़ा सी भी कच्चा बास आता है ना तो मैं नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मैं इतना पकाती हूँ अंडे को भी कि बुर्जी में से तेल छूट जाए। और जब तेल छूट जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर ऐड करूँगी ये जो मैंने कोतमीर काट के रखी है, हरी कोतमीर जो मैंने काट के रखी है वो, तो ये ऐड कर दूँगी। और कल का दाल राइस है जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं रही हूँ दोपहर में, क्योंकि बाबू गए हैं मीटिंग में, तो मीटिंग से तो आते आते उनको रात हो जाएगी, तो मैं रात में तो दूसरा खाना पकाऊंगी ही डेफिनेटली, तो अभी पका के कोई मतलब ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे ये बुर्जी बनाने के बाद खाना खा लूँगी, खाना खाने के बाद नहाऊँगी, और नहाने के बाद फिर मुझे एक वीडियो की एडिटिंग भी करना है तो वो वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी। और उज़्मा को बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी है, वो काफ़ी खुश है, पता है वो जो बिल्ली आई है ना घर में तो वो काफ़ी खुश है। उज़्मा को भी बिल्लियाँ बहुत पसंद है, जैसे कि आप लोग जानते हो अम्मी के घर पे भी इतनी सारी बिल्ली है और वो वहाँ पे रहती है तो वो क्लोज़ हो गई है। जब उज़्मा बहुत छोटी थी ना 5 महीने के करीब, तब तक मेरा बिल्ला था एक, पहले मैंने उसको पाला था, वो
की सेवा करता था, मतलब उज़्मा 5 महीने की थी और बिल्ला मेरा 2.5 साल का था। एक इंसान की तरह समझता था हर चीज़ को, और अगर मैं वॉशरूम जाती थी और उज़्मा रोती थी ना, तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा ठोकता था कि बच्चा रो रहा है। तो इतनी समझदारी थी वो बिल्ले में। बोलते ना, इंसान से ज़्यादा समझदार जानवर होते हैं, प्यार मोहब्बत सब अच्छी तरीके से समझते। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि बिल्ली के बाल से तकलीफ़ होती है, ये बोलते हैं लोग। लेकिन एक चीज़ और भी है, हम जब बाहर का खाना खाते हैं, वड़ा पाव, समोसा पाव या बिरयानी वाले के उधर पे, खास करके जब बिरयानी वालों के उधर पे एक नज़र मारना, वहाँ पर दुनिया भर की बिल्ली पड़ी रहती है, बैठी रहती है, वहीं पर उनका उठना बैठना होता है, वहीं पर खाना पीना होता है, हर चीज़ वहीं होती है। यहाँ तक कि वो झूठी प्लेट होती है, उसमें बाल, खाने की प्लेटों में बाल, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो इंसान बीमार कैसे हो सकता है। हर बोलते ना, हाँ मानती हूँ कि ये चीज़ है कि हर चीज़ अपने हाथ में होती है, अपना ख्याल कैसे रखना, लेकिन बिल्लियों को भी तो ऊपर वाले ने ही बनाया, और उनकी सेवा करना तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी होती है बिल्ली। तो मैं यही सोच रही हूँ, आप लोगों में से कई लोगों ने ये बोला था कि उज़्मा से दूर रखो, बच्चों से दूर रखो, बस इसी वजह से मैं ना बिल्लियों को अपने घर में नहीं रख रही थी काफ़ी दिन से। लेकिन नहीं, बिल्लियों के बिना ना घर सूना सूना लगता है, मुझे बहुत सूना लगता है। और बिल्ली रहेगी ना तो घर के अंदर एक खुशी का माहौल होता है, मतलब ऐसे ना चहक पहक रहती है। तो देखिए, बातों बातों में खाना रेडी हो गया मेरा, आइए आप लोग भी खाना खाने। हटना तू, रुकना रुकना उस्मा, रुकना, कहाँ ले गई? अरे कहाँ कहाँ, अरे गिरेगा वो, अरे लाइट नहीं है अंदर उस्मा, अंदर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, लाइट चले गई है, लाइट नहीं है घर में। इसको यहीं पे रहने दो, खेल रहा है ना वो। हो गया, इसको निकाल के दिखाओ कितना छोटा सा है। ये देख, हटो, ये तुम मत जाओ, हटो, इसको वापस रख देंगे। ये इसमें खुश रहता है ना, हट। अरे तो उसको ढाक देंगे, ढाक देंगे, हट। ढाक दी, ढाक दी। तो यहाँ पे मैंने फाइनली हॉस्पिटल में हूँ, और उज़्मा के हाथ में कैमरा है, और इसलिए उसको कैमरा देखे बैठाई हूँ मैंने, क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन रहता है तो वो शांत रहती है। और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे दांत का तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हफ्ते में एक दावत फिक्स होती है, तो बस आज वही मेरे मसूड़ों को काटा जा रहा है, मतलब ट्रिम किया जा रहा है, दांतों को छोटा किया जा रहा है काट के, ताकि कुछ आगे का प्रोसीजर कर सके, बस ये हमेशा का हो गया है। लेकिन प्रोसीजर आगे बढ़ता नहीं है, बस अल्लाह ही बेहतर जाने कि मेरा क्या होने वाला है। तो खैर, अभी दर्द बहुत ज़्यादा है मेरे मुँह में, और ब्लड भी निकल रहा है मुँह में से, तो ऐसा है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्ली की माँ आई है, तो जी हाँ, बिल्ली की माँ मुझे गली में दिखी थी दोपहर के वक्त पे, तो मैंने उसको उसका बच्चा दिखाया कि इधर आ, तेरा एक बच्चा मेरे पास है। वो अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो रही थी, तो फाइनली उसको ये बच्चा मेरे घर में दिखा, तो आई, दूध पिलाई और उसको लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने उसको लेके जाने नहीं दिया, यही डर से कि वो बच्चा बाहर जाएगा तो जिएगा नहीं। और मैंने उसको ये समझाया अपनी भाषा में कि तेरा बच्चा मेरे पास सेफ है। और यहाँ पे उज़्मा ना जो खा रही है ना, वो बिल्ली के बच्चे को भी खिला रही है, और बिल्ली को भी पापा खा लो, पापा खा लो करके। रहने दे, दूध पिलाने दे साइडो।
मत ना उज्मा। उज्मा को गुस्सा आ गया था। पहले वो बहुत प्यार से बोली, खा लो ना प्लीज ना पापा, खा लो ना। जब बिल्ली नहीं खाई ना तो उसको बोलती है भग भग, तो ऐसा। और यहाँ पे मैं बिग बॉस देख रही हूँ और मेरे दांत में दर्द हो रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और बस मैं खड़े खड़े बिग बॉस देख रही हूँ और मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बहुत दर्द हो रहा है, अभी डॉक्टर के पास से जाके आई, मैंने इसलिए आज व्लॉग नहीं बनाया था। मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी, ये बच्चे में बहुत ज़्यादा चिल्ला पुकार हो रही थी। आज फाइनली आ गई उसकी माँ, तो वो पिला रही है। बट वो बच्चे को लेके जाने की फिराक में है, लेकिन वो एक बच्चे को लेके जाके क्या करेगी, वो बच्चा भी रह नहीं पाएगा, वो भी कहीं ना कहीं मरी जाएगा, क्योंकि वो बोका है और बोके लोग को बोके जिंदा रहने नहीं देते। इसके लिए मैं उसको लेके जाने नहीं दे रही हूँ, उसको बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ अपनी भाषा में, भाई यही है तेरा बच्चा, आगे भी ला लिया कर दूध। अब वो तो जानवर है, क्या पता समझेगी कि नहीं समझेगी। लेकिन मेरा बोकू है ना, सब कुछ समझता था, जो मेरा पहले बिल्ला था जब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी तब था, बट अभी नहीं है। खैर अभी आ गई है, इसको दूध पिला रही है। हमने बनाए हैं पीली खिचड़ी, बता देती हूँ मैं क्या रेसिपी नहीं शेयर की आप लोगों के साथ। डिनर में मैंने बनाया है पीली खिचड़ी। लाइट चालू कर रही हूँ किचन की, ये देखिए सादी सी। और बाबू के लिए आ रही है तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन लाएंगे। लाइनिंग बहुत आ रही है आज की मोबाइल में, तो तंदूरी चिकन लाने गए हैं, वो लेकर आ जाएंगे तो हम लोग खाना खा लेंगे। अभी आप लोग बोलेंगे दांत का इलाज करा के ये और तंदूरी चिकन खाएंगे, नहीं मेरे लिए मैंने खिचड़ी बनाई हूँ, तंदूरी चिकन वो खाएंगे। तो ऐसा तो चलिए फिर ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। काफ़ी छोटा सा व्लॉग है, बट जो है यही था आज का दिन। तो मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, और व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किए तो। और छह पानी, पहले पाव खा के खत्म करो। इसको ना मैं खिचड़ी खिला रही थी, बट इसको खिचड़ी खाते खाते पाव खाने की सूझी, तो एक पाव मंगा के उसको दिया। उसको पाव है ना सूखा खाना बड़ा पसंद है, तो ऐसा। तो चलिए फिर, व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर उस्मा, बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू बोल दे, लव यू। नहीं बोल रही, अच्छा नहीं बोल रही हो, बंद करती मैं व्लॉग, बंद कर दूं।